अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू study.com। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 सिंटैक्स बोर्ड एक्सरसाइज 3.1 है। इसे हम आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास जो हमें गिविन है एक्सरसाइज 3.1 का, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल और नॉट। कि हमें जो एक्सप्रेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमें ये बताना है कि वो पॉलीनोमियल हैं या पॉलीनोमियल नहीं हैं। स्टूडेंट्स, पॉलीनोमियल अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉलीनोमियल हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलीनोमियल है या हमारे पास पॉलीनोमियल नहीं है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5x square, क्या लिखा हुआ है 5x square। ठीक है, अब 5x square में 5 हमारे पास क्या है, कोफिशेंट है। ठीक है, 5 क्या है हमारे पास, कोफिशेंट है। ठीक है, x हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास जो 2 है ये इसकी पावर है या एक्सपोनेंट है। ठीक है, पावर है या एक्सपोनेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास x है स्टूडेंट्स, ये x हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी हमें एक्सप्रेशन दी गई हो हमें उसमें देखना है कि कितने वेरिएबल हैं हमारे पास किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में, जिसमें हमें ये मालूम करना हो कि आइदर वो पॉलीनोमियल है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे पास एक वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल का होना ज़रूरी है। अब जैसे 5x square में x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा जो मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, पावर को, जब आप पावर को देखेंगे, दूसरा रूल हमारे पास ये है कि जो भी एक्सपोनेंट होनी चाहिए, जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट होगी या जो भी हमारे पास पावर होगी स्टूडेंट्स, इसको होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, किस में होना चाहिए स्टूडेंट्स, होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर कौन कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, हमारे पास होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 2 ऑनवर्ड। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं हमारे पास होल नंबर। ठीक है, पावर हो, लेकिन पावर मस्ट भी क्या होनी चाहिए हमारे पास, मस्ट बी होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास पावर होल नंबर में नहीं होगी स्टूडेंट्स, पावर अगर हमारे पास होल नंबर में नहीं होगी, फ्रैक्शन में होगी, तो भी हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन होगी वो पॉलीनोमियल नहीं होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको करते सॉल्व करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ये टॉपिक। 2x² - 3x² + 5y³ - 6 ये आपको गिवन है आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3.1 में। ठीक है, पार्ट वन में। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्स्टेंट नंबर है, कंसीडर नहीं करेंगे हम इसे। ठीक है, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर y की पावर क्या है, 3 है। क्या है, y की पावर 3 है, जो कि हमारे पास क्या है, होल नंबर है। ठीक है, 3 हमारे पास क्या है, होल नंबर है। ये देखें होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 2 है, लेकिन आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक के बजाय 2 वेरिएबल है, एक हमारे पास x वेरिएबल है और दूसरा हमारे पास y वेरिएबल है। यानी कि एट अ टाइम कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि 2 वेरिएबल नहीं, हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स, नॉट पॉलीनोमियल। क्या हो जाएगी, नॉट पॉलीनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3xy² - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें अगेन कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, अगेन 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x और y। तो ये क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नॉट पॉलीनोमियल। क्या हो जाएगी हमारे पास, नॉट पॉलीनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 6x² - 10x + x + √45। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 में x की पावर स्क्वायर में है, x की पावर 0 है, लेकिन यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि 1 है, हमारे पास x कुछ भी नहीं है, तो x की पावर क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, यानी कि होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और x2 भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, होल नंबर में। ठीक है,
यहाँ पर अंडर रूट तो है लेकिन कॉन्स्टेंट नंबर के साथ है और हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखें होल नंबर में आ रही है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में आ रही है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में आ रही है, ठीक है। तो ये वाली एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, पॉलीनोमियल है, ठीक है। दो चीज़ों को हम देख रहे हैं, एक हम वेरिएबल देख रहे हैं और दूसरा हम पावर देख रहे हैं, ठीक है। फोर है हमारे पास फाइव अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले अंडर रूट को ख़त्म करेंगे क्योंकि रूट हमारे पास वेरिएबल के ऊपर है, ठीक है। तो हम इसको ख़त्म करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, वन अपॉइंट फाइव, ये थोड़ा सा छोटा फाइव है, मैंने काफ़ी बड़ा लिख दिया, ठीक है। माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स वेरिएबल की पावर अगेन होल नंबर, वेरिएबल की पावर वन है अगेन होल नंबर, लेकिन यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स वन डिवाइडेड बाय फाइव, वन डिवाइडेड बाय फाइव आपका इसकी जो पावर आई है ये आपकी होल नंबर में नहीं आई है, ठीक है। होल नंबर में नहीं आई है, आपकी पावर किस में आई है, फ्रैक्शन में आई है, किस में आई है, फ्रैक्शन में आई है। जब आप 1/5 को डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा 0.2, ठीक है। 0.2 अगेन इज नॉट अ होल नंबर, फ्रैक्शन में है, तो ये वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, नॉट पॉलीनोमियल, क्या हो जाएगी, नॉट पॉलीनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास टू, सॉरी फाइव है हमारे पास टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, क्या है हमारे पास, एक्स प्लस टू। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स एक्स प्लस टू हमारे पास किसमें, डिवाइड में है, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू, जब ये नीचे था तो इसकी पावर, सबकी पावर क्या थी स्टूडेंट, वन थी, लेकिन जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। माइनस वन आपके पास अगेन होल नंबर में नहीं आ रहा, ठीक है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। जीरो से बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, माइनस वन, तो अब छोटी वैल्यू होती है जीरो से, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉट पॉलीनोमियल, क्या हो जाएगा, नॉट पॉलीनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये माइनस वन की पावर टू के साथ भी है, माइनस वन की पावर एक्स के साथ भी है, लेकिन ये जीरो से छोटी है वैल्यू, ठीक है। और हमें वो हमारे पास वो होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये जीरो से भी छोटी वैल्यू होती है, इसलिए ये हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट पॉलीनोमियल हो जाएगी। सिक्स में हमारे पास टू डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस टू, ठीक है। सेम स्टेप आप करेंगे, एक्स को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस टू। यहाँ पर देखें होल नंबर, लेकिन यहाँ पर अगेन जीरो से छोटी वैल्यू जो कि होल नंबर में नहीं कंसीडर की जाती, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉट पॉलीनोमियल, क्या हो जाएगी स्टूडेंट, नॉट पॉलीनोमियल। क्वेश्चन नंबर टू है स्टूडेंट हमारे पास, हमें ये बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो रेशनल है या नहीं, ठीक है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रेशनल और इरेशनल, ठीक है स्टूडेंट्स। कंसीडर करें आप स्टूडेंट कि ये हमारे पास क्या है, पी है, क्या है, पी है, और ये हमारे पास क्या है, क्यों है, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्या है, क्यों है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू पी एंड एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू क्यों। हमारे पास स्टूडेंट रेशनल एक्सप्रेशन कब होगी, यहाँ मैं आगे लिख देती हूँ, इफ़ बोथ पी एंड क्यू आर पॉलीनोमियल देन द गिवन एक्सप्रेशन इज रेशनल। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास p q दोनों क्या है, पॉलीनोमियल है, तो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगी, रेशनल होगी, ठीक है। यानी कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास अगर पॉलीनोमियल होंगे तो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगी, रेशनल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, यहाँ पर देखें अब पावर क्या है हमारे पास, होल नंबर में है, ठीक है, और एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी पावर क्या है हमारे पास, होल नंबर है,
कॉन्स्टेंट है कंसिडर नहीं करेंगे, तो पी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। अब बढ़ते हैं क्यों की तरफ, क्यों हमारे पास क्या है, होल नंबर है, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं है तो यहाँ पर वन है, ठीक है, क्या है हमारे पास, होल नंबर है, वन इज़ अ होल नंबर। तो ये वाली एक्सप्रेशन यानी कि पी भी पॉलिनोमियल है, क्यों भी पॉलिनोमियल है, तो ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगी, रेशनल एक्सप्रेशन होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, रेशनल एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी टू एक्स, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल के ऊपर जो अंडर रूट है इसे हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, कैसे हटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर वन अपॉइंट फाइव, क्योंकि ये फाइव ऑर्डर का रूट है, ठीक है, एंड फाइव अंडर रूट सिक्स एक्स, तो फाइव ऑर्डर का रूट है तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट फाइव माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि p अपॉन q, यानी कि आप कंसीडर करें ये आपका p है या आपका q है, दोनों का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है, अगर दोनों पॉलिनोमियल होंगे तो रेशनल होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी पॉलिनोमियल ना हुआ तो एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल नहीं रहेगी, वो फिर इरेशनल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पावर क्या है होल की, सॉरी होल की नहीं, x की पावर क्या है हमारे पास, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट x की पावर अगेन 0.2 जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, ठीक है, और ये है वन, इसकी पावर हमारे पास होल नंबर में, तो एक की पावर जो है हमारे पास क्या है, यानी कि p की, भले ये सब क्यों हमारे पास रेशनल सॉरी पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर कि p में हमारे पास ये जो सेकेंड टर्म है इसकी पावर हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है, होल नंबर में नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन हो जाएगी, इरेशनल एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगी, इरेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो ये क्या आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस अंडर रूट सेवन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट के ऊपर अंडर रूट है हम कंसिडर नहीं करते, यहाँ पे देखें पावर क्या है हमारे पास, कंप्लीट होल नंबर, यहाँ पर भी पावर क्या है हमारे पास, होल नंबर, यहाँ पर भी हमारे पास होल नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास होल नंबर, यहाँ पर भी हमारे पास होल नंबर, ठीक है, यानी कि इसे आपने p कंसीडर किया, इसे आपने q कंसीडर किया, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, बोथ आर पॉलिनोमियल, तो ये कौन सी एक्सप्रेशन हो गई स्टूडेंट हमारे पास, रेशनल एक्सप्रेशन हो गई, कौन सी एक्सप्रेशन हो गई, रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है स्टूडेंट हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ठीक है, अगेन स्टूडेंट जब आप अंडर रूट ख़त्म करेंगे क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट टू माइनस वाई का अंडर रूट ख़त्म करेंगे वन अपॉइंट टू, एक्स का अंडर रूट ख़त्म करेंगे वन अपॉइंट टू प्लस वाई का अंडर रूट ख़त्म करेंगे वन अपॉइंट टू, अगेन किस में, फ्रैक्शन में, तो कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट एक्सप्रेशन, कौन सी हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इरेशनल एक्सप्रेशन। क्यों इरेशनल है स्टूडेंट, क्योंकि इनकी जो पावर है एक्सपोनेंट की, जो पावर है हमारे पास, वो हमारे पास होल नंबर नहीं है, ठीक है, वेरिएबल तो एक है लेकिन पावर होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इरेशनल हो जाएगी, सेवन एक्स प्लस सेवन, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, वन, ठीक है। यहाँ पर भी देखें पावर क्या है, पावर इसकी क्या है हमारे पास स्टूडेंट, वन में होल नंबर में, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन हो जाएगी, रेशनल एक्सप्रेशन, कौन सी हो जाएगी, आपने दो रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, दो रूल्स हैं आपके जिन्हें आपने कंसीडर करना है, एक तो आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए एक्सप्रेशन में एक में, और दूसरा आपने पावर देखनी है, ठीक है, होल नंबर में पावर होगी तो आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन होगी, सॉरी पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, फाइव एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखें फाइव ऑर्डर का
अंडर रूट था, जब आपने अंडर रूट को ख़त्म किया तो क्या आपके पास आया 1/5 माइनस एक्स प्लस 5x² होल नंबर बट दिस इज नॉट अ होल नंबर फ्रैक्शन 0.2। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी इरेशनल एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, इरेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, कौन सी हो जाएगी हमारे पास, इरेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।